बड़वानी जिले का ग्राम भादल जो दुर्गम क्षेत्र में महाराष्ट्र की सीमा पर एक भू प्रभावित गांव है। यहां पर लगभग 300 परिवार रहते हैं। यहां पर आसपास के गांव में कई विकलांग हैं जिनको विकलांगता पेंशन नहीं मिल रहा है, जिसमें पातलिया पिता अबला जिनके दो बच्चे महेश जो गूंगा है तथा लड़की गुंचा जो दोनों आँखों से अंधी है तथा एक पैर से विकलांग है, जिनका पिछले 2 सालों से विकलांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है लेकिन उनको आज तक पेंशन नहीं मिला है। जी विकलांग नानी सोती चार साल बाद उसी ही जानना शेरी आई हो एक दुई दाड़ा शेरी आई है ना पाई लूडू है ना से दुई डूबा बिगड़ी गई है नहीं कहीं डाक्टरी हम डिजाइन होते कुछ और देखा दिया रेड बाकी नहीं सुधरे कही देता डाक्टरी अभी ने ना बेन से पैसा भी नहीं ने कहीं नहीं कर जावा ही नहीं तो कहीं होगी दिशरी पहले नान सतुतास शुद्ध बोलतू नहीं करते करते अगते मालूम पड़ी कि बेहरू छे नी समय तू नी तेरे मासू से नीते जीते बहुत कृपन सू से कांत्या बनावीन बड़वानी गई है बड़वानी रेम पार्टी मंत्री चाली तो मंत्री कही गई मंत्री कही कही जोरदार से घर यार बुलाई देनो माजाई पूछे तो यार यार खाता में पैसा डालना नहीं है ना वो नंबर नहीं है ना पहले कही कि खाता नंबर से ते डाल दिस पैसा करें दुई बार ही जी बुलाओ तो कहीं नहीं जोड़िया पैसा। मैं चाहता हूँ कि पातलिया भाई के विकलांग बच्चों को पेंशन मिले, इसलिए मैं आप सभी इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से अपील करता हूँ कि जनपद पंचायत पार्टी के सीओ रामचंद हलो 9893838644 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि एक गरीब परिवार को इसका लाभ मिले। मैं पवन सोलंकी जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।